वेलकम टू माय चैनल, दिस इज विवेक विवेक कुमार आर्ट्स। तो गाइस आज हम बनाएंगे नोज आईज और लिप्स के ट्यूटोरियल, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस आउटलाइन को और डार्क करूंगा मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज कर रहा हूं 0.7 की। तो आउटलाइन मैंने पहले ही ड्रॉ कर ली, तो मैं आउटलाइन को अब और डार्क करूंगा। तो आईज से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो वीडियो फास्ट कर दी मैंने क्योंकि वो रियल टाइम में मुझे 2 आवर्स लगे थे इसको बनाने में। तो गाइज आपको स्लोली स्लोली शेड करना है, तो मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले मैं आई शेड कर रहा हूँ, अब मैं 10B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ अंदर के डार्क करने के लिए। तो आप 6B यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे लाइट एरियाज है, ज़्यादा डार्क नहीं है और ज़्यादा लाइट नहीं है, वहाँ पे आप 6B पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। बाकी जगह आप 10B या 8B पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये वाइट वाइट कुछ पिंपल्स टाइप कुछ दिख रहे होंगे, तो उन्हें हमें छोड़ना है क्योंकि उन्हें हमें ब्लैक करना है, क्योंकि ब्लैक हेयर्स है उसमें काफ़ी, और उनको काफ़ी अच्छे रियलिस्टिक दिखाना है क्योंकि वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, उनसे काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। तो ब्लेंड करने के लिए मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज करूंगा। तो आपको स्लोली स्लोली ब्लेंड करना है, ज्यादा प्रेशर का अप्लाई भी नहीं करना और ज्यादा फास्ट भी नहीं करना, स्लोली स्लोली करोगे तो काफी अच्छी और स्मूथ शेडिंग होगी और ब्लेंडिंग होगी। तो ब्लेंड करने के बाद आप कोई भी मतलब मैकेनिकल पेंसिल का यूज कर सकते हैं आउटलाइन को डार्क करने के लिए। तो अब आपको पिंपल्स टाइप कुछ दिख रहे होंगे, मैं उनको भी डार्क कर रहा हूँ, तो इसके लिए आप मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और उनको रियलिस्टिक लुक देना है, तो इनको आप अच्छे से ऑब्जर्व करना कि मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, कौन सी पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो आपकी पेंसिल ऐसे शार्प होनी चाहिए, तो मैं HB की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ फर्स्ट लेयर के लिए। तो इनको डार्क करने के लिए आप 8B का यूज़ कर सकते हैं और 10B पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए, इससे काफ़ी अच्छे से ड्रॉ होगी वो चीज़, काफ़ी अच्छे से डार्क होगी। तो आपको कुछ जगह वाइट भी छोड़ना है हाईलाइट्स टाइप में। तो अब मैं डार्क कर रहा हूँ उनको मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके 0.7 की। तो आपको ऐसे ही ऑब्जर्व करके ऐसे ही डार्क करना है और ऐसे ही हाइलाइट्स देने हैं। शेडिंग के लिए मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइज नोज में भी हम ऐसे पिंपल्स बनाएंगे कुछ। तो नोज को डार्क करने के लिए भी मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। तो नोज को थोड़ा डार्क शेड करने के लिए मैं 6B पेंसिल का यूज करूंगा।
हाइलाइट्स के लिए मैं टोम्बो इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। नोज को डार्क करने के लिए मैं 8B पेंसिल का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 8B या 10B यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल डार्क है। और नोज़ की शेडिंग के लिए मैं 6B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। लिप्स को ड्रॉ करने के लिए भी मैं उसी मेथड का यूज़ करूँगा, लाइट टू डार्क। तो जैसे आपकी फोटो है उसको ऑब्जर्व करके आपको ड्रॉ करना है। तो डार्क करने आउटलाइन को डार्क करने के लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, और शेडिंग के लिए HB। तो ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल डार्क है तो मैं 8B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, और नीचे वाले में मैं 6B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ज़्यादा डार्क नहीं है। तो गाइस ये था ट्यूटोरियल जो कि मैंने कोई एक ड्राइंग की बनाई थी हॉलीवुड एक्टर जिनका नाम मेरे को नहीं पता, तो मैं इसकी पूरी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अभी ट्यूटोरियल्स मैं बता रहा हूँ आपको, तो वाइट मस्टेज के बारे में भी लेके आऊँगा कि हाउ टू ड्रॉ वाइट मस्टेज। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय।